जीव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से शहर के चौक चौराहे को सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत शहर के प्रमुख कर्पूरी चौक से शुरू की गई है। इस चौराहे का सौंदर्यीकरण का काम भाजपा के स्थानीय नगर विधायक संजय सरावगी के ऐच्छिक कोष से की जा रही है। दरभंगा जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से शहर के चौक चौराहे को सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दी गई है। इसकी शुरुआत दरभंगा शहर के कर्पूरी चौक से की गई है। इस चौराहे का सौंदर्यीकरण का काम स्थानीय विधायक संजय सरावगी के अच्छी कोष से 9 लाख की लागत से किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के तहत चौक पर लगे जगनायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा सुरक्षित रहेगी और इसे सुंदर रूप देने के लिए घेरे के अंदर गाड़ी के साथ ही अंदर बाहर लाइट भी लगाए जाएंगे। इससे शाम होने के बाद इस चौराहे का लुक बिल्कुल अलग दिखेगा। काम पूरा होने में लगभग 1 महीना समय लगेगा। फिलहाल पिछले दिन 3 दिनों से युवा महा मजदूर को काम में लगा दिया गया है। उन्हें घेरे के अंदर और बाहर लगाने के लिए धौलपुर के प्रसिद्ध सैंड स्टोन पत्थर मंगवाए गए हैं। आपको बताते चलूं कि मेडिकल चौराहा पर जगनायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा की स्थापना 2001 में हुई थी। पता चला है जो 9 लाख रुपया के लागत से कर्पूरी जी के स्थल को सुंदर बनाया जा रहा है और ये TMCH का चौक है, कर्पूरी चौक इसका नाम है। इसमें पार्क लगेगा, फूल लगेगा और सीढ़ी लगेगा और छत होगा और ये दरभंगा पहले से सुंदर हो रहा है और ये देखने को मिलेगा, अच्छा चीज है ये। तो ये अच्छे माने अच्छा उपलब्धि है सौंदर्यीकरण होना, और मैं चाहूँगा कि जो अभी तक हुआ है, जो व्यवस्था है, उसको 4 चांद लगे, बेहतर ढंग से बने, क्योंकि दरभंगा में जहाँ भी इस तरह का व्यवस्था है देखने में कुछ अलग लगे। मालार्पण करने के लिए जैसे सीढ़ी की माने उस समय होता है, भागम भाग का जो स्थिति रहता वो नहीं रहे, तमाम जो स्थिति है इस चौक को इस तरह बना दिया जाए, चूंकि हृदय स्थली दरभंगा का कहा गया है। तो मेरा माने एक है क्या कि बेहतर माने चौक बन जाए, ये मैंने माने सुनने में भी आ रहा है कि उस तरह की माने बनाया जा रहा है। क्या क्या पता चला है यहाँ हो रहा है? ये हो रहा है कि ये इसको ऊँचा कराया जा रहा है, उसके बाद ये लगाया जा रहा है, मतलब एक सेट बनाया जा रहा है और माल्यार्पण कर लेके सीढ़ी माने लगाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो और होना भी चाहिए। इसके अलावा इस माने जहाँ भी ऐसा प्रतिमा है वहाँ भी इसी तरह का व्यवस्था किया जाए, लेकिन चूंकि जितना यहाँ जगह है काफ़ी मात्रा में माने जगह जो होना चाहिए चौराहा के लिए वो यहाँ सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध है, इसलिए यहाँ जितना बेहतर हो सके जिनके माध्यम से भी हो रहा है उनके मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो कर्पूरी जी का सुधी लेने का काम किया वो धन्यवाद के पात्र। इस संबंध में हम सीधे रुक करते हैं नगर विधायक संजय सरावगी से। विधायक जी, शहर के सौंदर्यीकरण की क्या योजना शुरू हुई है? कर्पूरी चौक पे पहले कर्पूरी जी की वहाँ आदमकद मूर्ति लगी हुई है जी, वो टूट गया था तो हमने अभी विधायक फंड से जो है जी उसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए दिया, उसमें काम चल रहा है जी। तो उसी का जो है वहाँ पे काम चालू है, जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। तो वो पहले से टूटा हुआ था, और भी जगह और भी जो चौक चौराहे हैं था उन सभी चौक चौराहों में सौंदर्यीकरण कराया जाएगा मेरे विधायक फंड से। पहले कर्पूरी चौक करा रहे हैं जी, उसके बाद जो भी चौक चौराहे हैं उन सभी का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। विधायक जी, कब तक ये योजना पूरी हो जाएगी? 1 महीने के अंदर ये वाला कर्पूरी चौक वाला 1 महीने के अंदर 1 महीने तक में हो जाएगी। और इसमें क्या कुछ आप कुछ नया करने वाले हैं? नहीं, उसको अच्छा लगे, पहले जो सबका शहर का प्रमुख चौराहा है दरभंगा नगर वासियों को कुछ नया देखने के लिए कुछ मिलेगा। चौक चौराहा सौंदर्यीकरण वो होगा, अभी हम लोग लगे हुए हैं दरभंगा शहर का जो पूरा जाम है, बुरी तरीके से ट्रैफिक जाम रहता है जी। उसके लिए मैंने पिछले दिनों रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से मुलाकात की थी, जो भी रेल ओवर ब्रिज शहर में 6 स्वीकृत हुए हैं रेल ओवर ब्रिज जी, जिसमें दोनार में रेल ओवर ब्रिज है, लगबन्ना है, चट्टी चौक लहरिया सराय में बनना है, खंगवा गुमती के पास 2 रेल ओवर ब्रिज है, उन दोनों का निर्माण होना है,
पीडीएम के सामने और दिल्ली मोड़ के पहले, उसमें जो है जल्द ही जो उसका डीपीआर बनेगा और उसमें जो है जल्द ही स्वीकृति होगी तो शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शहर पूरा जाम रहता है जिसके कारण आम जनता को लेकर सभी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है, इसमें जल्द ही डीपीआर बन के बहुत जल्द इसमें भी काम में हाथ लगने वाला है। और भी जो शहर का है, अभी हम लोग नुरुंग अटल सिटी योजना से दो पार्क पास हुए, जो एक जो है शिवधारा के पास बनेगा एक पार्क और एक शोध संस्थान कमरा घाट में एक वहाँ भी पार्क का निर्माण होगा, दोनों जगह पार्क का भी निर्माण होगा। शहर का जो काम हम लोग लगे हुए हैं, सभी का काम जो है जल्द से जल्द जो है शहर अच्छा दिखे, सुंदर दिखे और ट्रैफिक जाम से मुक्ति हो सर, उसके लिए हम लगे हुए। पटना से सीटीवी न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी नगर विधायक संजय सरावगी। अब हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में इन दिनों बिन मौसम बरसात जैसा अस्पताल कैंपस में नाले का पानी फैलने से जल जमाव हो गया है। दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में इन दिनों बिन मौसम बरसात जैसी हाल है। अस्पताल कैंपस में नाले का पानी फैलने से जल जमाव हो गया है, जहां इलाज कराने आए मरीजों को रहना ही नहीं, नाले में की फैले पानी के बीच चापाकल का पानी पीने को मजबूर कर रहा है। बदबू ऐसा कि आने जाने वाले को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोग यहाँ रहकर कई कठिनाइयों का सामना करते हुए इलाज कराने को मजबूर है। वही अस्पताल अधीक्षक इन समस्याओं से अवगत है, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं। नए बन रहे सुपर स्पेशलिस्ट भवन बनने के कारण नाला जाम है, जिसका निदान अस्पताल के पास नहीं है। वही इलाज कराने आए लोग का तो पानी खरीद कर पीने को मजबूर है, या फिर मजबूरी में चापाकल का पानी पीने से मजबूर है। पूछताछ किया, वो सुपर स्पेशलिटी का जो मकान बना है वही सारा फसाद पर चल रहा है। बिहार में अफसरशाही चरम पर है, लूट खसोट काफी बढ़ गया है। ऐसी कड़ी में आज मधुबनी के लखनऊ थाना क्षेत्र के कछुआ पंचायत नंदे नगर गांव के लोगों को डीलर द्वारा राशन मिट्टी तेल नहीं देने के विरोध में मधेपुर से भाया तमुड़िया होकर NH57 मिलने वाली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मधुबनी जिले के लखनऊ थाना क्षेत्र के कछुआ पंचायत नंदनगर गांव के लोगों ने डीलर द्वारा राशन मिट्टी तेल नहीं देने के विरोध में मधेपुर से भाया तमुड़िया होकर NH57 को मिलने वाली मुख्य मार्ग जाम कर दिया। डीलर और प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए जमकर बवाल काटा। डीलर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीलर बोलता है जिसको बोलना है जाके बोलो, मेरा मन होगा राशन मिट्टी तेल देंगे या नहीं देंगे, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यह आरोप है ग्रामीणों का। Thank you.
राशन ले गरीब आदमी मर रहल छै नै दैया कोई कुछो कुछो नै दैया हमार का धन का तो खाइयो नै दियो मर गेले आइ दियो मर गेली सब मर गेले हमार गरीब आदमी के धन का दे छै चार तल्ला वाला के दे छै सर्विस वाला के दे छै डीलर के दे नै देबो नै देबो नै देबो बीमारी से दमा से हर चीज से गरीब कमा मचि त खाइ छै बाल बच्चा भूखे रहै छै बाल बच्चा नै दे भाग छै त बाल नै देबो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सर्व नारायण झा विश्वविद्यालय की तस्वीर और तकदीर की दिशा में पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या छात्रों में हो रही कमी है, जिसे दूर करने के लिए डॉक्टर कुलपति ने जो कदम उठाया है 2018 में इस समस्या का हल बहुत हद तक दूर हो जाएगी। जो राजभवन का निर्देश है उसका अक्षर से पालन करेंगे। 21 दिसंबर को हम लोग के सीनेट दिसंबर को सिंधी जांच खबर छापेंगे सीनेट है तो सीनेट के जस्ट बाद इसकी प्रोसेस इसका शुरू कर देंगे। उसमें तो अभी तो हो गया कि एक वीक के अंदर कर लेंगे। जी जी तो ज़्यादा समय नहीं है, एक वीक के अंदर फिलअप करा देना। ऐसा नहीं है कि एक महीने 15 दिन 20 दिन प्रचार होगा, ऐसा नहीं है। और प्रचार के लिए कोई लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं होगा और कोई पोस्टर बैनर नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा है सुना है। अभी तो गाइडलाइन आएगा, अभी और 1.5 महीने के अंदर कर देना है ऐसा मांग है, उनका कहना है और उनकी रुचि थी कि करना है। और उन्होंने कहा कि ये जितने भी नीतीश कुमार हैं या इस तरह के लोग हैं ये सभी छात्र संघ की देन है। तो ये तो अच्छी बात है। सबसे जो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, जो अप्रिशिएट करने वाली बात थी, अभी हो क्या रहा है कि जिसकी मर्जी होती है 10 विद्यार्थी मिल करके किसी वीसी के पास या रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाते हैं कि ये समस्या है, ये समस्या है, इसका समाधान कर दीजिए, इसका समाधान कर दीजिए। जिसकी मर्जी होती है 10-20-50 विद्यार्थी को लेकर के जुलूस निकाल लेता है। इससे क्या होगा कि ये तो निर्धारित हो जाएगा कि ये शासन का अध्यक्ष है या ये महामंत्री है या उपाध्यक्ष है, तो छात्रों की जो भी समस्या होगी लेकर के वो आदमी आएगा तो विश्वविद्यालय को काम करने में सुविधा होगी। अब किसी कमेटी में भी रखना है, जैसे छात्रावास कमेटी है या स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी है, तो इसमें छात्र संघ के अध्यक्ष को, महामंत्री को या उपाध्यक्ष को या उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रख लिया उसमें। उनको अगर रख लिया तो उनकी बातें भी सुन ली, उन्होंने भी बातें सुन ली, अब उनको भी अंदाजा लग गया कि प्रशासन छात्र के लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पता चल जाता है। तो प्रशासन को तो सुविधा होगी छात्र संघ से कि प्रशासन को एक चिन्हित आदमी मिलेगा कि यही जेन्यून बात कह सकेगा, कहेगा जी। अब मुख्य इशू है वहाँ कि छात्र संघ चलेगा कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो दूसरे विश्वविद्यालय में तो पैसे हैं, यहाँ तो पैसा नहीं है। तो शायद उसमें कुछ इस तरह का प्रोविजन किया जा रहा था कि एडमिशन के समय शायद कुछ पैसे ऐसे लिए जाएं छात्र संघ के नाम पर, जो ही थोड़ा बहुत फीस होगा वह जो पैसा होगा वो छात्र संघ को दिया जाएगा, उसमें से वो कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ छात्र संघ के लिए कोई बजट तो है नहीं। तो चलेगा, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं। वो एक कमेटी बनाई थी उन्होंने, कमेटी ने रिपोर्ट उस दिन सबमिट कर दी थी, कमेटी रिपोर्ट भी दे दी ना सर। हाँ, उसी दिन सबमिट कर दी थी रिपोर्ट। और अब महामहिम को निर्णय लेना था कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको एज इट इज लागू कर दें या उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करें। उसको एज इट इज लागू इसलिए करना है कि वो लिंक दो कमेटी के आधार पर रिपोर्ट थी। अच्छा, लिंक दो कमेटी के आधार पर। तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। और वो अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सुविधा होगी कि कोई स्टेक होल्डर होगा ना, एक कि अध्यक्ष या महामंत्री या उपाध्यक्ष आकर के प्रशासन को कोई बात कहेगा कि ये काम करना जरूरी। अभी जिसकी मर्जी होती है वो आ जाएगा, तो वह बंद हो जाने से बाधा कम होगी काम करने में। और छात्रों को छोटी छोटी बातें भी होती है, उसके लिए विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता है, तो वह विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरा कि प्रशासन को इससे सुविधा होगी कि कौन वास्तव में रियल आदमी है। निर्देश लिंक वर्कर के द्वारा विश्व एड्स दिवस पर HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम दरभंगा सिविल सर्जन कार्यालय से किया गया। हम लोग सब तक नहीं सर आ रहे हैं, पंक्ति में लगी।
लाना तू एक्स बलम जी, लाना तू परदेश बलम जी, लाना ना तू एक्स बलम जी, रंजन की है यही पुकार, कब हमारा जाना तो परदेश बलम जी, जाना तो परदेश बलम जी, जाना तो परदेश बलम जी, जाना तो परदेश बलम जी। इस कार्यक्रम से आपका क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि HIV एड्स की जागरूकता हेतु लोगों को जानकारी मिले। यह कार्यक्रम यहाँ खास करके विशेष तौर पर लिंक वर्कर स्कीम के नाम से HIV प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए काम चल रहा है फरवरी 2012 से दरभंगा में विशेष तौर पर, जिसमें 100 गांव हैं। अभी 100 गांव में खास करके विशेष रूप से देखा गया है कि प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है, पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है और खतरों के निशान HIV पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा पूरे बिहार में जो संख्या आ रहा है वो संख्या इस 100 गांव में ज़्यादा आया है। पूरे जिला का सर्वे करवाया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसमें 100 गांव का में जो संख्या आया है उस संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाने की जरूरत हुई, जिसे नाको और बिहार राज्य स्वास्थ्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा फरवरी 2012 से विशेष कार्यक्रम दरभंगा में चलाया जा रहा है। उस समय से अब तक कार्यक्रम की शुरुआत सभी गांवों में किया गया है, जिसमें संस्था और सरकारी जो कार्यालय है सरकारी पदाधिकारी के द्वारा विशेष रूप से दोनों आदमी के सहयोग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी तक कार्यक्रम जो है लगभग सफलता प्राप्त कर रही है। दूषित सुई लेता है जान, जन जन की है यही पुकार, CTV में खबरें अभी और भी है। जो चर्चाएं आपने की है बचा नहीं हमके हमें कुछ बोलने का। और विद्वान की श्रेणी में जब लोग आते हैं गार्जियन के बीच में तो छात्र हो जाते हैं। हम तो एक छात्र के समक्ष हम खड़े हैं। सौभाग्य मुझे प्राप्त कि आपने मुझे उस लायक तो मैं हूँ नहीं, लेकिन आपने अवसर दिया चीफ गेस्ट बनाने का अवसर दिया। यह इतनी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण दिवस है कि जीवन की जो दर्शन है उस दर्शन को अगर अपने जीवन के रास्ते में अगर इस एड्स जो विश्व का सबसे बड़ा महामारी है मानव जीवन के लिए, अगर इसके रोकथाम का आत्मसात कर प्रचार करने का काम करें तो हमारे समाज के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, स्वच्छ समाज के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए बहुत बड़ा मंत्र होगा। अगर इसे हम भाषण के रूप में न लेकर आत्मसात कर अगर जो उद्देश्य है राष्ट्रीय सेवा योजना का, इसकी शुरुआत कहने में हिचक नहीं कि आपके यहां मित्र प्राय स्थिति थी पहले, योजनाएं चल रही है। रविंद्र चौरसिया जी जब वहां NSS पदाधिकारी आनंद जी का, दिलीप बाबू का, विमल नयन ठाकुर का तो चर्चा उनका जरूर की जाती है, इसके काम से लोग चर्चाएं होती है, काम बोलता है, पद को धारण करने वाले बहुत सारे व्यक्ति। तेरह दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा में होगा दौरा। दरभंगा भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ रहेंगे, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में जुटी है। दरभंगा जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी यह जानकारी। दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के शीशो पचवी पंचायत में शुक्रवार को दरभंगा DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने चल रही सात निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री के आगमन पर पूरे पंचायत का निरीक्षण किया और हर घर नल हर घर जल कार्य का अविलंब पूरा करने की बात कही एवं पक्की रोड
को भी देखते हुए मुखिया के पंचायत कार्यालय में जाकर ग्रामीणों से बात की। सभी की समस्या सुनते हुए कहीं कि जो भी समस्या है वह लिख करके दे, हम अभी काम करवा लूंगा। उसी में एक ग्रामीण व्यक्ति ने कहा कि पंचायत सेवक के बारे में बताया कि कोई भी काम नहीं करता। इसी पे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि आप लिखित दीजिए, मैं एक घंटे में सस्पेंड करवा दूंगा। पर ग्रामीण तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण डीएम श्री सिंह ने कहा बताया कि हर इंसान की कोई ना कोई समस्या होती है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने इंदिरा आवास बाढ़ राहत पेंशन योजना के बारे में भी डीएम से बात की। सभी को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही समस्या को समाधान हो जाएगा। जिलाधिकारी के साथ डीडी शिकारी प्रसाद महतो, एसडीएम गजेंद्र प्रसाद सिंह, डीसी एलआर पुष्पेश कुमार, सदर बीडीओ गंगा सागर सिंह, सीओ राकेश कुमार, मुखिया शमसे आलम खान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सी टीवी मिथिला के पूरे टीम के साथ मैं लवली झा विदा लेती हूँ, नमस्कार। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता बीएमपी 13 सोनजी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच बीएमपी 13 सोनजी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। नटराज आर्ट्स एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता मशरफ बाजार टावर चौक दरभंगा। यहाँ हर एक प्रकार की डांस सिखाई जाती है, जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस एंड वेस्टर्न डांस, और यहाँ म्यूजिक और पेंटिंग भी सिखाई जाती है। संपर्क करें मशरफ बाजार ICICI ATM के सामने दरभंगा।